गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। खारदार तारें और रुकावटें फैलांग कर असेंबली के गेट पर पहुंचे अराकी ने असेंबली के दरवाजा खोलने के लिए पुलिस से जोर आफरी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक समेत लीगी अराकी ने असेंबली के गेट पर धरना दे दिया। ख्वाजा इमरान नजीर और लीगी रहनुमाओं की बैरियर्स पर चढ़कर नारेबाजी। इमरान खान खुद को खिलाड़ी कहते हैं, अभी डेढ़ माह नहीं गुजरा। इमरान खान कहते थे आईएमएफ से कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। डॉलर रिकॉर्ड महंगा हो गया, कौम पर 900 अरब रुपए का कर्जा रातों रात चढ़ गया। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का खिताब, कहा नियाजी साहब ने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। ख्वाजा साद रफीक बोले, वजीर आजम खुलेआम जेलों में डालने की धमकियाँ देते हैं, तुम हमें पकड़ो हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। पंजाब असेंबली का गेट न खोलने पर ओपोजिशन का सड़क पर ही एहतजाजी इजलास। काला मोहम्मद इकबाल के जेर सदारत इजलास में लीगी अराकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राणा इकबाल कहते हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं, जो गेट नहीं खोला गया कानून पर अमल करना जानते हैं, आईन के मुताबिक एहतजाज करना हमारा हक है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अफसोसनाक करार दे दी। कौमी असेंबली के खसूसी अजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। स्पीकर कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। कौमी असेंबली का खसूसी अजलास 17 अक्टूबर को तलब, शहबाज शरीफ शिरकत कर सकेंगे। नैब की कार्यवाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर शौकत हुसैन बलोच गिरफ्तार। दो डिप्टी अकाउंटेंट हसन महमूद, मोहम्मद फारूक और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर नवीद मुराद को भी हिरासत में ले लिया। बहावलपुर का रहीम यार खान सड़क की तोसी के लिए हुकूमत से 60 मिलियन रुपए लेकर बोगस अकाउंट में जमा कराने का इल्जाम।